Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In this video, we are going to discuss a very interesting topic. Katappa ne Bahubali ko kyun mara? Nahi pata. Koi baat nahi. Lekin jo mera agla sawal hai, aapko iska answer zarur pata hona chahiye. Ki aakhir Nathuram ne Gandhi ji ko kyun mara? दरअसल ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी स्टूडेंट्स के मन में बचपन में ज़रूर आया होगा कि आखिर क्या कारण था जिसके चलते नाथूराम ने गांधी जी की हत्या की. जबकि नाथूराम गांधी जी को मानते थे, एडमायर करते थे उन्हें, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनकी हत्या की. इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं. सबसे पहले अगर नाथूराम के पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था नाथूराम विनायक गोडसे. जब इन्होंने गांधी जी की हत्या की तो उनकी हत्या करने पे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इनके गिरफ्तार हो जाने के बाद गांधी जी के बेटे देवदास इनसे मिलने गए. गांधी जी के टोटल 4 बेटे थे, हरिलाल, रामदास, देवदास और मणिलाल, जिसमें से देवदास नाथूराम से मिलने गए थे ताकि वो नाथूराम के मन की मनोस्थिति जान सकें कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा था जिसके चलते उन्होंने देवदास के पिता की यानी कि गांधी जी की हत्या की. गोपाल गोडसे नाथूराम गोडसे के भाई थे. गोपाल गोडसे को कैद की और नाथूराम को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी. गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधी वध क्यों में इन सभी बातों का उल्लेख किया हुआ है, जिसे हम इस वीडियो के दौरान समझने वाले हैं, जिसके चलते हम ये समझेंगे कि नाथूराम ने किन कारणों की वजह से आखिर गांधी जी की हत्या की. ये सारी बातें गोपाल गोडसे ने अपनी पुस्तक में लिखी है. तो चलते हैं, बात करते हैं नाथूराम के द्वारा दिए गए कुछ ऐसे स्टेटमेंट की, कुछ ऐसे रीजंस की जिसके चलते उन्होंने गांधी जी की हत्या की. सबसे पहले जो उन्हें लगता था वो ये था कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे तो उनके स्वभाव में काफ़ी अंतर आ गया था. उनके सारे डिसीज़न मुसलमानों के पक्ष में होने लग गए थे. दूसरा जो उन्हें लगता था वो ये था कि गांधी जी मनमानी चलाते हैं. गांधी जी ने अपनी बात मनवाने के लिए बहुत सारे भूख हड़ताल भी किए हैं. उनका कहना था किसी भी लीडर को भूख हड़ताल जैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए. तीसरा रीज़न इनके द्वारा दिया गया था कि गांधी जी पाकिस्तान को निर्माण करना चाहते हैं और भारत का बंटवारा करना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा गांधी जी के कार्यकाल में ही उठा था. चौथा रीज़न इनके द्वारा दिया गया था कि जब पाकिस्तान को फ़ंड की ज़रूरत थी और भारतीयों ने मना कर दिया था फ़ंड देने से, तो गांधी जी ही भूख हड़ताल पे बैठे थे पाकिस्तान की तरफ से. तो ये कुछ ऐसे रीज़न थे जो नाथूराम की तरफ से उनके हिसाब से गलत थे. अभी हमने जो भी रीजंस पढ़े हैं ये सब हमने नाथूराम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हैं, जिसको उन्हीं के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी बुक में पब्लिश किया है. अभी हमने गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझा नहीं है. पहले हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में अगर अंतिम उपवास रखा तो क्यों? क्या वो वाकई में भारत का बंटवारा करना चाहते थे और पाकिस्तान का निर्माण करना चाहते थे? क्या पाकिस्तान को फ़ंड जारी करने में उन्होंने जो मदद की थी, क्या उसके पीछे कोई वादा था या कुछ और? क्या वो वाकई में मनमानी चलाते थे? आपको इन सभी बातों को गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना पड़ेगा, तभी आपको किसी भी कंक्लूजन पे आना चाहिए. अभी फ़िलहाल आपको इन रीज़न को पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि शायद नाथूराम सही थे, लेकिन अभी आपने दूसरे पक्ष को नहीं सुना, आपने गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुना, इसीलिए आप प्लीज़ किसी भी कंक्लूजन पर मत आना. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच.